गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत टाइम बाद भाई आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं छुपन छुपाई का गेम। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे बॉम्ब मैन मिसाइल मैन लिटरली मेरे घर पे आ गए और मुझसे बोल रहे हैं कि मैंने अवेंजर्स के साथ, सिन चैंपियन चौक के साथ, ना जाने कितनी बार गेम खेला है लेकिन कभी भी इनके साथ सही नहीं खेला इसने। भाई देखिए, स्किबिडी का भी फैमिली का परिवार आ गया है और हल्क को देखिए भाई, स्किबिडी ऑलमोस्ट बन गया। हल्क फोड़ेगा, हल्क नहीं छोड़ेगा। और गाइस इसको देखिए, ये तो लावा गॉड हल्क है। ये तो छोटे छोटे मेंबर थे, अभी मैं आपको एक सरप्राइज दिखाता हूँ। अब बिना लिटरली मैं इन सभी की फैमिली के बड़े बड़े मेंबर भी हैं। हाँ तो गाइस ये सोच रहा हूँ ये छुपन छुपाई के खेल में छुपेंगे कहाँ भाई। प्लेन मैन को देखिए, और फ्रैंकलिन मैं जीतूंगा, और उसके बड़े मैं जीतूंगा। ओए नहीं, ओए मैं जीतूंगा, मैं अच्छे से छुपूंगा। गाइस तो यहाँ पर लिटरली मैं बोला ये गया है कि मैंने इनको 15 मिनट के अंदर नहीं ढूंढाना, तो ये आज मुझे मेरे घर से ही भगा देंगे और मेरा घर छीन लेंगे। इसलिए अपने घर को बचाने के लिए और छुपन छुपाई के गेम में एक और बार खेलने के लिए और जीतने के लिए आप सभी प्लीज जल्दी वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब। भाई साहब ये क्या, मेरे घर में आप इतने बड़े बड़े प्लेन कहाँ से आ गए? और टाइमर ऑलरेडी चल गया, ये लोग इतनी जल्दी छुप भी गए। गाइस आप प्लीज मेरी टीम में आने के लिए जल्दी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। आपको अगर कोई भी दिखे ना तो कमेंट में जरूर बताना, हम हमेशा की तरह जीत जाएंगे। ओ भैया, मेरे घर पे इतने बड़े बड़े बॉम्ब, ये कौन रख के गया? अरे इन बॉम्ब्स को हटाओ, ऐसा तो नहीं है भाई इसके अंदर कोई छुपा हुआ हो। लेकिन यार इतने बड़े बॉम्ब, मतलब इतने बड़े खतरे में कौन ही छुपेगा, किसकी इतनी हिम्मत है, मुझे तो डर लग रहा है। वैसे गाइस अगर आपको इसके अंदर कोई भी मार दिया रे, अगर आपको इसके अंदर कोई भी दिखे तो प्लीज कॉमेंट में जरूर बताना। एक मिनट यार, बाकी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, इतने बड़े बड़े प्लेन मेरे घर पे कहाँ से आ गए भाई? ये पक्का इन लोगों की चाल है मुझे यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए। कहाँ पर छुपे हुए हैं? व्हाट, मेरे वार्डरोब में इतनी सारी कमोड सीट, ओ भाई साहब इतनी सारी टॉयलेट और कमोड सीट, क्या कर रही है इधर? और गाइस इसमें ये चिंगारी, इसमें तो करंट है, इससे तो दूर ही रहना पड़ेगा मेरे को। ओ माय गॉड, ये क्या चल रहा है मेरे घर पे? एक मिनट दोस्तों, चलो मैं आपके कमेंट ही पढ़ लेता हूँ। कमेंट में कुछ लोगों ने लिख रखा है कि उनको बॉम्ब मैन दिखा, बॉम्ब मैन। अरे मैं तो लिटरली मैं भूल गया था कि बॉम्ब मैन भी गेम खेल रहा है। गाइस वो जो बॉम्ब्स थे, पक्का बॉम्ब मैन उसी के पीछे। अगर गाइस इसके पीछे बॉम्ब मैन छुपा हुआ है, जल्दी कमेंट में यस लिखो। बाकी मैं बॉम्ब को हटा तो रही हूँ। अरे यार यहाँ पर मैंने कुछ बॉम्ब हटा दिए हैं। ऑलराइट, अब भी हम पता करके रहेंगे कि बॉम्ब मैन वो रहा। गाइस देखिए, अबे यार फ्रैंकलिन, और तूने कैसे ढूंढ लिया मुझे? मेरी टीम ने ढूंढवाया भाई। गाइस फाइनली हमने बॉम्ब मैन को तो हरा दिया यहाँ पर। लेकिन गाइस ऑलरेडी 2 मिनट निकल चुके हैं और यहाँ पर यार 13 मिनट ही रह गए। हाँ तो गाइस मैं आपसे कह रहा था कि ये बड़े बड़े प्लेन्स को पक्का किसी ने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लगाया पड़ा है। एक मिनट, जी क्या, मेरे घर के ठीक ऊपर ये इतने बड़े बड़े ब्लॉक से कर रहे हैं, पक्का गाइस उसमें कोई छुपा पड़ा है। आइडिया, क्यों ना मैं प्लेन्स के ऊपर से चढ़ के वो जो ब्लॉक है वहां तक पहुंच जाऊं और उसके अंदर का कोई भी छुपा हुआ है तो हम उसको आसानी से ढूंढ लेंगे। ऑलराइट गाइस, हम भी अभी स्मार्ट होते जा रहे हैं भाई। अरे अरे अरे, ये क्या? नहीं गाइस यार, वो बहुत ऊंचा ही है। एक मिनट, ये क्या चीज है भाई, इतना बड़ा सा ब्लैक ब्लॉक, ये क्या कर रहा है इधर? गाइस लिटरली में कोई ना कोई इनके पीछे छुपा पड़ा है, बट मुझे यहाँ पर कोई तरकीब लगानी पड़ेगी इनके अंदर जाने की दोस्तों। और ये क्या भाई, इतने बड़े बड़े कांटे क्या कर रहे हैं? अरे यार मेरे घर पे क्या चल रहा है ये? लगता है गाइस इसको भी सिन चैंपियन चौक ने पक्का साइड में रखा होगा खेलने मिलने के लिए। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई भी दिखे तो प्लीज कॉमेंट में जरूर लिखना। और अभी हम अपने गार्डन में आ चुके हैं और गार्डन में ना झाड़ियों में और पेड़ के पीछे या फिर दीवारों पर चिपक के पक्का ये लोग छुपे रहते हैं, तो कोई भी कहीं भी हो सकता है। बाकी दोस्तों हम चलते और यहां पर पता करते हैं कि असल में ये जो प्लेन है भाई, इसमें कोई छुपा हुआ है नहीं। हेलो, कोई है इधर? हाँ तो गाइस मैं आपसे कह रहा था कि झाड़ियों में भी होते हैं। बाकी चौप भाई, तू सो रहा है क्या? और वो वाइट वाइट क्या है तेरे चौप तेरे घर में? बकल बे, सोने दे मुझे भाई, बार बार आए हूं, झूठी झूठी गैस छोड़ूंगा तेरी, बैंड बज जाएगी। अरे यार क्या करूं, चौप को उसके घर से बाहर भी तो नहीं निकाल सकता। आपको क्या लगता है गाइस, चौप के घर में कोई छुपा हुआ है या नहीं? यस या नो लिख के बताओ। बाकी तो चलो हम जाकर इतने किसी और को ढूंढ लेते हैं। यार मैं उस ब्लॉक के ऊपर कैसे चढ़ूं जो टॉप पे? अरे याद आया गाइस, मेरे घर के जो पास वाला डैम है वहां पे पुलिस का एक चॉपर खड़ा रहता है। देखिए ये रहा। ऑलराइट, अब भी मैं इस पुलिस के चॉपर को कुछ टाइम के लिए बोरो कर लेता हूँ। लेट्स गो भाई, यहाँ से आराम से मेरे घर का पूरा व्यू दिख जाएगा। और देखिए वो जो टॉप वाले ब्लॉक है, पक्का इसमें भाई लग रहा है क्या? क्या आपको क्या लगता है, जल्दी कॉमेंट में यस या नो लिख के बताओ। बाकी आपको अगर कोई और भी दिखाओ तो प्लीज कॉमेंट में जरूर लिखना। ये भी बताना वो है कहाँ पर छुपा हुआ। भाई साहब कमोन कमोन कमोन, ओके मैं पहुंच चुका हूँ। एक मिनट, ये कौन है? और
ये हेलीकॉप्टर की आवाज कहाँ से आ रही है? ओके, तो असल में इस ब्लॉक के अंदर एस्केबडी टॉयलेट मॉन्स्टर छुपा हुआ है भाई। क्या बात है गाइस, और हमने एस्केबडी का बच्चे को ढूंढ निकाला। ओए फ्रैंकलिन का बच्चा एस्केबडी, एस्केबडी तूने मेरे को तो ढूंढ लिया, लेकिन तेरे पास 10 मिनट है, तू और लोगों को कैसे ढूंढेगा? पहले तेरे को ढूंढ लेता, तेरी बैंड ही बजा दी। ऐसे देखा जाए तो गाइस ये सही कह रहा है, मैंने बस 2 लोगों को ढूंढाया, एक बॉम्ब मैन जो कि आपकी मदद से ढूंढा था, और एक एस्केबडी। बाकी के लोग कहां पर छुपे हुए हैं? ये तो जायंट एस्केबडी है, अभी एक छोटा एस्केबडी भी है, और एक हल्की एस्केबडी भी है, एक मिसाइल मैन भी है। भाई पता नहीं कौन कौन कहां कहां छुपे पड़े हैं। खैर चलो जल्दी से अपने घर पर जाते हैं। हमने 2 बंदों को हरा दिया, बहुत ज्यादा मजा आ गया। ओके यहां पर फाइनली मैं वापस से आ चुका हूं, और ये ब्लैक ब्लॉक में मुझे लगता है कोई तो छुपा पड़ा है। आइडिया गाइस, क्यों ना मैं ये वाला जो प्लेन है इसके ऊपर से चढ़ के जाने की कोशिश करूं। उसके बाद नहीं यार, यहां से कोई रास्ता नहीं है भाई, कोई एंट्रेंस है नहीं, छोड़ो हम कहीं और जाते हैं। ओ भाई ये कौन मारा मेरे को? भाई लगता है जैसे कि यहां पर ब्लैक ब्लॉक के अंदर कोई छुपा हुआ है, और उसने मुझे जोर से फेंका है जिससे कि मैं उसको देख ना लूं। गाइस देखो आपने, इसका मतलब पक्का उसमें कोई है। लेकिन हमें यार बहुत ही चतुराई से उस ब्लैक ब्लॉक के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस यहां पर अगर हम उसके अंदर नहीं गए तो यहां पर ढूंढ नहीं पाएंगे, कोई तो पक्का छुपा पड़ा है भाई उसमें। बाकी दोस्तों मैं जल्दी से घर की तरफ चलता हूं। ऑलराइट, मैं घर पे वापस आ गया। 1 मिनट, आपके कमेंट तो मैंने पढ़े ही नहीं। ऑलराइट, तो कुछ लोगों ने देख रखा है, उनको मिसाइल मैन दिखा गार्डन के पास। ऑलराइट, तो मेरा गार्डन एक तो सामने की तरफ है और एक पीछे की तरफ है। गाइस अगर मिसाइल मैन यहां है कहीं पर भी तो प्लीज कमेंट में यस लिखो, बाकी मैं देखता हूं गार्डन में नीचे कूद के। आप लोग प्लीज, और ओ बॉय सॉब, अब फ्रैंकलिन यार तूने कैसे ढूंढ लिया? मैं तो तेरी वॉल में मिक्स होकर बैठा था भाई। अरे यार दोस्तों लिटरली, आपने कैसे देख लिया इसको? भाई दीवार में मैच हो रहा था यार, कैसे देख लिया? वैसे अच्छी बात है। बाकी दोस्तों अगर कोई भी आपको दिखे तो जरूर बताना। मिसाइल मैन को पकड़ लिया, अभी टोटल 3 बंदे पकड़ लिए, बट यार 8 मिनट ही बचे। ये क्या है भाई, ये क्या चीज है? ओ माय गॉड, ये कहाँ जा रही है? ये इधर जा रही है गाइस, और ये कांटों के बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा तो नहीं है भाई इसके अंदर कोई छुपा पड़ा हो? गाइस हो सकता है, आई थिंक इसमें कोई हो। खैर मैं जल्दी एक काम करता हूँ, जाकर पहले ये चेक करता हूँ वो जो ब्लैक ब्लॉक है उसके अंदर कौन है, क्योंकि आपको याद होगा मुझे बहुत जोर से मारा था किसी ने। और बाकी गाइस वो जो कांटे हैं ना स्पार्क्स है, उनके पीछे कोई छुपा हो तो बताना, बाकी मैं ऐसे जंप लगा के ना प्लेन के ऊपर चढ़ूंगा और उसके बाद पता करके रहूंगा कि उसके अंदर है कौन, क्योंकि दोस्तों हमें पता तो करना ही पड़ेगा। चल भाई फ्रैंकलिन यहाँ पे लंबी लंबी जंप लगा और पता करके कौन छुपा पड़ा है। अरे अरे बाप रे गाइस, ओके बस मैंने यहाँ पे आधा सफर तय कर लिया है। अरे भैया, ओ माय गॉड, बाल बाल बच गया मैं। ओके दोस्तों अभी मेरे को थोड़ा सा और ऊपर जाना है। भाई साहब 7 मिनट बचे और 8 मिनट ऑलरेडी निकल गए, टाइम बहुत जल्दी जा रहा है लिटरली में। ओके हम ऊपर पहुंच चुके हैं, अब बस लास्ट जंप। ये कौन है ब्लैक ब्लैक भाई? 1 मिनट, अरे ये तो ब्लैक रिवेंजर हल्क है। लिटरली मैं तो भूल भी गया हूँ कि कितने लोग यहाँ पर छुपन छुपाई का गेम खेल रहे हैं भाई। गाइस चलो यहाँ पे काम करते हैं, जल्दी से यहाँ पे लगाते हैं जंप। ये ओए क्या, ओए तूने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मैं तो बहुत सही जगह छुपा हुआ था, मैंने तेरे को मारा भी था। देखा गाइस, इसी ने मुझे मारा था, मूर्ख कहीं के। ले तेरी बैंड बजा दूंगा मैं बेटा। ऑलराइट गाइस, तो हमने टोटल 4 लोगों को ढूंढ लिया, एक बॉम्ब मैन, एक जायंट वाला स्केबडी, एक ब्लैक रिवेंजर और एक मिसाइल मैन। ऑलराइट अब भी यहां पर जो हमको ढूंढना रह गया एक हल्की स्केबडी है, और साथ साथ में गाइस लावा गॉड हल्क भी तो है भाई, लावा वाला। हाँ गाइस वो कहां पर है यार? ओ माय गॉड, टाइमर बहुत जल्दी जा रहा है, मैं जल्दी करता हूँ यार, बस 6 मिनट बचे हैं भाई। ये लोग बहुत स्मार्ट हैं यार, एवेंजर्स को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था जिनका इतना हो रहा है। कोई नहीं जल्दी जल्दी चलते हैं। ओके दोस्तों चलिए आपकी तब तक कमेंट पढ़ लेते हैं। कुछ लोगों ने लिख रखा है गाइस के उनको लावा गॉड हल्क, अरे मैं इसी के बारे में तो बात कर रहा था। कहाँ पर गाइस? 1 मिनट, हमने वैसे एक प्लेस पर जहाँ पर स्पार्क्स थे ना, कांटे लगे पड़े थे, वहाँ पर ऐसी चिंगारियाँ सी देखी थी। देखिए ये देखिए आग सी लग रही है भाई, ऐसा लगता है जैसे कि जल गया। ओ बचाओ, कोई फायर एक्सटिंग्विशर लाओ भाई, वो पक्का इसके पीछे कोई है। गाइस कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पर लावा गॉड हल्क छुपा पड़ा है? जल्दी कमेंट में यस लिखो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं गाइस। अच्छी बात है फायर एक्सटिंग्विशर था। अरे भाई लावा गॉड हल्क मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पहले कांटे हटाता हूँ। अबे ओए तू मुझे ढूंढ नहीं पाएगा फ्रैंकलिन का बच्चा। व्हाट, ये रहा फ्रैंकलिन, तूने मुझे कैसे ढूंढ लिया यार? मेरे टीम ने मेरे को बताया। ऑलराइट दोस्तों अभी तो ये 5 मिनट लावा गॉड हल्क है, अब इसकी बैंड बजाते हैं। अबे और आदिया मेरे को, कोई बात नहीं बच्चे, बस 5 मिनट बचिए, और लोग कैसे ढूंढेगा? अरे हाँ बड़ी चिंता का विषय है। बाकी यार ये बिजली के करंट कुछ ज्यादा बढ़ते नहीं चले जा रहे हैं, मुझे तो लगता है भाई ये भी किसी की स्ट्रेटेजी है। मुझे नहीं लगता कि सिंचन मिजा चौक में रखे हैं, ऐसा हो सकता है कोई इसके पीछे छुपा पड़ा हो। अरे गाइस कहीं इसके पीछे हल्क इसकी बड़ी तो नहीं छुपा पड़ा? क्योंकि वो भी टॉयलेट ही मॉन्स्टर बन गया है, तो गाइस हो सकता है अगर इसके पीछे कोई छुपा पड़ा जल्दी बताना। बाकी यहाँ पर गाइस घास काफी उगी हुई है, तो इसमें भी कोई छुपा हो सकता है।
देखिए काफी बड़ी बड़ी घास है भाई दोस्तों, इसलिए आपको इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियों में या घास में या पेड़ों के पीछे कोई भी छुपा हुआ मिले तो जरूर बताना, क्योंकि गाइस यार लिटरली में सिर्फ 4 मिनट बचे हैं और अभी भी मुझे 4-5 लोगों को ढूंढना है। खैर मैं यहाँ पे खड़े होकर टाइम बर्बाद नहीं कर सकता, हम जल्दी जाते हैं और जाकर तरकीब निकालते हैं कि ये प्लेन को मैं अपने घर से कैसे हटाऊं। गाइस मैं इनको हटा सकता हूँ इन प्लेन्स को अपने घर से, क्योंकि एक बार प्लेन हट गए ना तो जितने भी लोग छुपे होंगे ना इसके अंदर या फिर इसके आसपास वो सब के सब बाहर निकल सकते हैं। और ये इसका आंसर है आरपीजी रॉकेट। सबसे पहले बड़े वाले प्लेन को हटाता हूँ, क्योंकि ये बड़े वाले प्लेन हट गए तो छोटे वाले को हटाना बहुत आसान होगा। लेकिन भाई यार ये हिल भी नहीं रहे लिटरली में, क्या हो रहा है ये? मैंने चारों तरफ से मार लिया लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर। एक मिनट, ये क्या? ओह माय गॉड, बचाओ! ओह भाई साहब, इतना बड़ा प्लेन किसी ने मेरे ऊपर फेंक के मारा। लगता है शायद फेंक के नहीं मारा, मैं प्लेन को लाइक हिट कर रहा था तो शायद वो मेरे ऊपर ही आके गिर गया। कुछ भी हो सकता है गाइस, ये भी हो सकता है कि इसके अंदर कोई छुपा पड़ा हो। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट में जल्दी बताओ, इसके अंदर कौन हो सकता है? मेरे हिसाब से प्रॉब्ली उसके अंदर कोई जायंट ही हो सकता है, लेकिन कौन हो सकता है भाई? जायंट ब्लैक हल्क को हमने पकड़ लिया। अबे गाइस एक चीज नोटिस की आपने, चॉप अपने घर से बाहर आ गया। वाह भाई मजा आ रहा है। एक मिनट, और चॉप के घर के अंदर है? ये तो हल्क स्केलेटन मॉन्स्टर है। मैं तो सोच रहा था वो जो बड़े बड़े टॉयलेट का मोड सीट है जिसमें बिजली का करंट है उसके पीछे होगा हल्क स्केलेटन, लेकिन इसने चॉप के बच्चे ने अपने घर पे छुपा रखा था लिटरली में। भाई मेरी फैमिली मेरी बैंड बजाने पे तुली रहती है। बाकी मैं कमेंट चेक कर लेता हूँ, कमेंट में लिख रहा है कि आर्मी स्केलेटन मॉन्स्टर झाड़ियों में छुपा पड़ा है। कहां पर? लास्ट टाइम झाड़ियों में मैं यहां खड़ा हुआ था और यहां पत्ते ही पत्ते हैं, कोई है ही नहीं। और इसके बड़े मुझे मत देखियो वरना तुझे मार दूंगा। ओ व्हाट, ओ भैया ये तो मेरे सामने आ गया, मुंह पे निकल। अभी बताता हूं बेटा, मेरे को डराता है तो। ओ माय गॉड भाई, दिल धक धक कर रहा है मेरा, कितना खतरनाक लग रहा था यार ये। इसका कलर देखिए गाइस, हरा हरा सा है, तो ये भी लिटरली में झाड़ियों में छुपा पड़ा था यार, हद है मतलब। खैर दोस्तों छोड़ो, मैं काम करता हूं, जल्दी जाता हूं और जाकर ये जो मेरे वार्डरोब में इतने बड़े बड़े कमोड है ना इनको निकालता हूँ मैं बाहर, क्योंकि ये बिजली के इन्होंने यार शॉर्ट सर्किट कर दिया, पूरा घर मेरा आग लग लग जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा। वैसे भी इसके अंदर कुछ है तो नहीं, इसलिए दोस्तों जल्दी से यार मैं ड्रिल मशीन से ट्राई तो कर रहा हूँ यहाँ पर इस बिजली के जाल को तोड़ने की, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। गाइस यार ये तो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। बाकी मैं एक काम करता हूँ, आपके कॉमेंट ही पढ़ लेता हूँ। कॉमेंट में कुछ लोगों ने लिख रहे, अरे क्या कमोड सीट के पीछे जीमैन स्केबिडी टॉय मॉन्स्टर है? ओके गाइस मुझे पता है अब यहाँ पर उसको कैसे पकड़ना है। देखिए मेरे घर पे कुछ गन्स हैं जो कि स्टन गन है, मेरे को स्टन वाली चाहिए। भाई कौन सी है ये? हाँ ये ब्लैक एंड येलो वाले कलर की, इसको ले लेता हूँ मैं। ऑलराइट दोस्तों आ गई मेरे पास, देखिए स्टन गन। अब ये गन काम क्या करती है, यहाँ पर जितनी भी बिजली होती है ना भाई, लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है या फिर जहाँ लाइट ना हो उसको निकाल देती है। तो गाइस काम करते हैं, इस वाली लाइट को जल्दी से यहाँ पर एक काम करते हैं एब्जॉर्ब, लेट्स गो। देखा मैंने कहा था ना गाइस, जो लाइट थी वो यहाँ पर बंद हो गई। अब देखिए गाइस यहां पर, ओ इसके बड़े ये क्या? ओ ये मिचली कैसे खत्म? ओके तो बेटा तू छुपा पड़ा था। गाइस आप लोग नहीं बताते ना, मैं तो सोचने वाला था कि इसके अंदर कोई है ही नहीं। ओए नहीं इसके बड़े कोई फायदा नहीं है, ओए अब तू हारेगा। व्हाट, मैंने सोचा मैंने सबको ढूंढ लिया, नहीं सिर्फ 50 सेकंड है और अभी भी किसी को ढूंढना रह गया। क्या करूं मैं, मुझे तो डर लग रहा है। इसके बड़े अब तो गया। गाइस अब कौन हो सकता है प्लीज कमेंट में बताओ, हमारे पास बहुत कम टाइम है, हमारे घर का सवाल है। जो भी है गाइस इस प्लेन में छुपा पड़ा है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरे पास एक और आइडिया है भाई, शुरुआत में मैंने बॉम्ब मैन को पकड़ा था, उसके बॉम्ब्स थे। गाइस क्यों ना इसके बॉम्ब्स को, मतलब एक ही बॉम्ब बहुत बड़ा है, इसके बॉम्ब को मैं प्लेन के पास जाके रख दूं, उसके बाद उसको ब्लास्ट कर दूं। ऑलराइट दोस्तों अभी यहां पर पता चलेगा कि यहां पर क्या होगा। तो एक एक बॉम्ब मैंने चारों तरफ रख दिया, लेट्स गो। क्या ब्लास्ट हुआ है भाई, सिर्फ 14 सेकंड है, कोई है क्या इसमें? कोई है तो सही। अरे ये किसका हाथ इतना बड़ा वाला? ओ भाई, अबे यार फ्रैंकलिन, अबे कैसे ढूंढ लिया तूने मुझे? ये ले। ओ भाई सिर्फ 3 सेकंड बचे थे, तब जाके मैंने उसको गोली मारी, लेकिन फाइनली गाइस हमने कर दिखाया। हम फाइनली देखा गाइस, इतने टाइम बाद हमने छुपन छुपाई खेला, लेकिन जीत हमारी हुई। और कोई बात नहीं है, इसके बड़े अगले मैच में देखेंगे। गाइस अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखने तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिए, और हां स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।